आइए अभी हम आपको एक अद्भुत कोर्स के बारे में बताते हैं, जिसका नाम है दीप सर का मेमोरी कोर्स, स्मरण शक्ति विकास कार्यशाला। सभी सामान्य बच्चों का मस्तिष्क एक सरीखा ही होता है, उसकी समझने की, सोचने की, कार्य करने की, याद रखने की, पुरानी बातें दोहराने की, सीखने की क्षमता लगभग एक समान ही होती है। तो वो कौन सी चीज है जो कुछ बच्चों को सबसे बुद्धिमान बनाती है? वह चीज हमारे मस्तिष्क के अंदर ही होती है, सिर्फ उसका जो सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी गणना बुद्धिमान व्यक्तियों में होती है। उस चीज का नाम है चित्र स्मृति, यानी पिक्चर मेमोरी। यह बात वैज्ञानिकों के द्वारा जांची परखी गई है कि जिन बच्चों की पिक्चर मेमोरी अच्छी होती है वे सभी बच्चे विशेष रूप से असामान्य होते हैं। उनका मस्तिष्क आम बच्चों के जैसा ही होने के बावजूद वे कुछ असामान्य क्षमता वाले दिमागी कर्तव्य कर सकते हैं, जैसे कि पूरी किताब याद रखना, एक बार पढ़कर हमेशा के लिए याद रखना, सैकड़ों नंबर एक बार देखकर वापस बिना देखे बोलना, 100 से अधिक चीजों की सूची उनके क्रम के अनुसार याद रखना, फोन नंबर्स, ऐतिहासिक घटनाओं की तिथि, नकाशे, अंग्रेजी, फ्रेंच, जापानीज तथा किसी भी अन्य भाषा के नए शब्द को एक बार सुनकर हमेशा के लिए याद रखना। जनरल नॉलेज की बातें जैसे पंडित प्रधान, राष्ट्रपति, देश राजधानी, वैज्ञानिक खोज, वैज्ञानिक के नाम और वर्ष एक साथ एक बार पढ़कर हमेशा के लिए याद रखना। इस तरह की सभी असामान्य दिमागी कर्तव्य वे बच्चे कर सकते हैं। तो अब आपके मन में यह सवाल होगा, क्या पिक्चर मेमोरी बढ़ाई जा सकती है? तो हमारा जवाब है जी हाँ, हर बच्चे की पिक्चर मेमोरी बढ़ाई जा सकती है जो सामान्य है और पढ़ लिख सकता है और पढ़ा लिखा समझ सकता है। पिक्चर मेमोरी यह हमारे मस्तिष्क का एक ऐसा हिस्सा है जो सालों तक बिना किसी हानि के बरकरार रहता है। पिक्चर मेमोरी की क्षमता हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होती है, जैसे कि उस व्यक्ति का बचपन किस तरह से गुजरा और उसने उसके दिमाग में कितने पिक्चर जमा कर रखे और उनका इस्तेमाल कितनी बार किया, इस तरह की बातों का चित्र स्मृति पर असर होता है। हम कुछ विशेष रूप से कुशल प्रशिक्षण से हमारे बच्चों की इस पिक्चर मेमोरी को चरण सीमा तक पहुंचा सकते हैं, जिसके नतीजे हैरतअंगेज हो सकते हैं। आप यकीन नहीं कर सकोगे कि किस हद तक बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ सकती है। दीप सर का स्मरण शक्ति विकास कार्यशाला कोर्स एक संपूर्ण परिष्कृत वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित तथा 10 वर्ष के अनुसंधान का निचोड़ है और मेमोरी तकनीक को सीखकर सिखाना एक कला है। यदि कोई इसे गलत तरीके से सीखेगा या सिखाएगा तो इससे बच्चों को मनचाहे परिणाम नहीं मिलेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मेमोरी तकनीक सिखाने वाला या स्मरण शक्ति कार्यशाला को संचालित करने वाला व्यक्ति संपूर्ण कुशल प्रशिक्षित अधिकृत शिक्षक ही हो, जो दीप सर द्वारा प्रमाणित हो। दीप सर सभी बच्चों को मेमोरी तकनीक कोर्स खुद ही सिखाएंगे और उनके प्रशिक्षक भी दीप सर के मार्गदर्शन के द्वारा ही बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे। प्रशिक्षण का अवधि कम से कम 1 माह तथा अधिक से अधिक 1 साल का हो सकता है और यह अवधि बच्चों के मस्तिष्क की क्षमता पर आधारित होता है। तो आइए अब यह जानते हैं दीप सर के मेमोरी तकनीक कोर्स के द्वारा कौन सी समस्याओं का समाधान हो सकता है। बहुत पढ़ने के बाद भी ध्यान में कुछ नहीं रहता, परीक्षा के समय वक्त पर याद नहीं आता, घर आकर पूरा बराबर बोलते हैं, एक शब्द पर अटक जाते हैं और उसके आगे का याद नहीं आता, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, ध्यान नहीं लगता, परीक्षा के वक्त बच्चे घबरा जाते हैं या पहले दिन बुखार आता है, मराठी या हिंदी अच्छी तरह से लिखना और पढ़ना आता नहीं, पढ़ाई करने के लिए बैठते नहीं, याद करते हैं लेकिन दूसरे दिन पूरा भूल जाते हैं, ओरली सब बराबर बोलते हैं लेकिन लिखते समय गड़बड़ करते हैं। बच्चे पढ़ाई क्यों भूल जाते हैं? पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद कैसे रखना? बच्चों को पढ़ाई जान पे क्यों आती है?
बच्चों की स्मरण शक्ति का विकास कैसे किया जाए। तो अब जानते हैं दीप सर के मेमोरी तकनीक कोर्स में क्या सिखाया जाता है। लेसन हमेशा के लिए कैसे याद रखना, गणित तथा विज्ञान के सूत्र, डेफिनेशंस, अंग्रेजी लेखक तथा उनके नाम याद रखना, वर्ग और वर्गमूल, टेबल्स, जनरल नॉलेज कैसे याद रखना, पंद्य प्रधान, राष्ट्रपति, राज्य राजधानी, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की टेक्निक, पीरियोडिक टेबल्स, 40 डिजिट नंबर सीधे या उल्टे याद रखना, 40 नंबर पर लिखे वस्तु के नाम याद रखना, एकाग्रता, पढ़ने का स्पीड बढ़ाना, थ्योरी के पॉइंट याद रखना, अंग्रेजी का शब्द संग्रह बढ़ाना, एक बार पढ़ा हुआ अंग्रेजी शब्द और उसका मतलब हमेशा के लिए याद रखना, एक साल का अभ्यासक्रम केवल 3 माह में पूरा करना, 2 या 3 घंटे में एक विषय की किताब पूरी पढ़ना, स्पेलिंग मिस्टेक कम करना, हिस्टोरिकल डेट, भौगोलिक मैप, फोन नंबर्स, जिन बच्चों का पास होना मुश्किल है उनको परीक्षा में 60% मार्क्स मिल सकते हैं और जिनको 65% से 75% मार्क्स मिलते हैं उनको 85% से लेकर 95% तक मार्क्स मिल सकते हैं। पढ़ाई में कमजोर, धीमे तथा अनुतीर्ण विद्यार्थियों को खास तकनीक से सिखाया जाएगा। अब आपको यह लग सकता है दीप सर के मेमोरी तकनीक कोर्स के कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो हमारा जवाब है नहीं। यह एक बाह्य स्वरूप का कोर्स है, यह कोई खाने वाली चीज तथा कोई दवाई नहीं है जिससे कि आपके शरीर तथा आपके मस्तिष्क पर कोई विपरीत परिणाम हो। यह एक ऐसा कोर्स है जैसे कि आप सामान्य रूप से पढ़ाई कर रहे हो और उस पढ़ाई को हमारे सिस्टम तथा मेमोरी तकनीक के साथ कर रहे हो, जिससे पढ़ी हुई बात आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा समय तक संग्रहित रह सकती है। अब जानते हैं मेमोरी तकनीक कैसे काम करती है। हम आपके मस्तिष्क को कुछ इस तरह से प्रशिक्षित करते हैं जिसकी बदौलत आप हर अक्षर तथा अंक को आपके मस्तिष्क में चित्र के रूप में रूपांतरित करके संग्रहित कर सकते हैं। अब आपके मस्तिष्क में कोई अंक, अक्षर तथा शब्द की रचना नहीं है, आपके मस्तिष्क में है केवल उस शब्द रचना का सटीक चित्र। जिस चित्र का कोई भी एक हिस्सा आप याद करते हो तो आपके आंखों के सामने संपूर्ण चित्र आ जाता है। अब वह चित्र देखकर आपको जो दिख रहा है वह बोलना है और आप जो बोलोगे वह जैसे किताब में लिखा है संपूर्ण तरह से वैसा ही होगा। इसका मतलब आपने शब्दों को याद रखने के बगैर आपने शब्द के चित्रों को याद रखा और एक नजर में पूरा चित्र देख लिया और आपके आंखों के सामने वही पूर्ण शब्द रचना आ गई। इस तरीके से हमारा यह स्मरण शक्ति विकास कार्यशाला तथा मेमोरी कोर्स काम करता है। तो क्या दीप सर का मेमोरी तकनीक कोर्स सभी बच्चों को सिखाए जाना संभव है? जी हाँ, यदि बच्चा सामान्य है और पढ़ लिख सकता है और पढ़ा लिखा समझ सकता है तो हर बच्चा इस कोर्स को बड़ी आसानी के साथ मजे से सीख सकता है। तो इस दीप सर के मेमोरी तकनीक कोर्स को सीखने के लिए बच्चों को कोई अतिरिक्त समय देना पड़ेगा? इस अतिरिक्त समय का उनके पढ़ाई पर क्या कोई असर पड़ेगा? तो हमारा जवाब है नहीं। दीप सर के मेमोरी तकनीक कोर्स को सीखने के लिए कम से कम 10 घंटे का अवधि लगता है। अगर कोई विद्यार्थी हमें 10 घंटे का समय दे तो वह उसकी एक साल की पढ़ाई केवल 3 माह में ही पूरी कर सकता है। इस 10 घंटे के अलावा विद्यार्थी को जो क्लास में समय बिताना है वह सारा समय उसके स्कूल के पढ़ाई पर ही खर्च होगा, क्योंकि सभी मेमोरी तकनीक स्कूल के पाठ्यक्रम पर कैसे इस्तेमाल करना है यह सिखाया जाता है। यानी विद्यार्थी नई मेमोरी तकनीक भी सीख रहा है और साथ साथ स्कूल की पढ़ाई भी हो रही है। और जब तक हर विद्यार्थी को संपूर्ण मेमोरी तकनीक नहीं समझती तब तक उसे हम यह तकनीक सिखाते हैं। अब आप यह जानना चाहोगे कि दीप सर के मेमोरी तकनीक कोर्स करने की उम्र कम से कम तथा अधिक से अधिक क्या है। पिछले 10 सालों में यह देखा गया है कि 8 साल से लेकर 18 साल तक के विद्यार्थी
दीप सर के इस मेमोरी तकनीक कोर्स को बहुत ही सटीकता से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो हमारा सुझाव यह है कि 8 से 18 साल तक के विद्यार्थियों ने इस अद्भुत मेमोरी तकनीक कोर्स को जरूर पूर्ण करना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी दीप सर के इस मेमोरी तकनीक कोर्स को एक माह के भीतर नहीं सीख पाया तो क्या? तो जवाब है, हमारी योजना के तहत हम विद्यार्थियों को एक साल तक स्मरण शक्ति विकास कार्यशाला तथा मेमोरी कोर्स सिखाएंगे। हमारे इस कोर्स को करने के लिए आपको पहले हमसे जुड़ना होगा। आप www.unnitiji.com यह हमारी वेबसाइट पर नामांकित हो सकते हैं, या फिर हमारे किसी सभासद के जरिए आपको हमसे जुड़ना होगा। हमारा कोर्स आपको आपके शहर में ही सिखाया जाएगा। जब हमारे निर्धारित विद्यार्थियों की संख्या पूर्ण हो जाएगी, तब हम दीप सर के इस अद्भुत मेमोरी तकनीक कोर्स को आपके शहर में आयोजित करेंगे। आइए अब हम मिलते हैं उन पेरेंट्स तथा स्टूडेंट से जिन्होंने दीप सर के अद्भुत मेमोरी तकनीक कोर्स को पूर्ण किया है। मेरे साथ है श्रुतिका मार्के। अब हम श्रुतिका से उसके कोर्स के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। श्रुतिका, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती है? स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, नोएल कॉन्वेंट स्कूल में। अच्छा, तो आपने दीप सर के मेमोरी तकनीक कोर्स को किया है? हाँ, किया है। मुझे आप ये बताना चाहेंगे कि दीप सर का जो मेमोरी तकनीक कोर्स है उसके बारे में आपने कब सुना और कैसे सुना? हमने उनके मेमोरी कोर्स की पेपर में ऐड देखी थी और फिर हमने ऐड देख के वो कोर्स ज्वाइन किया था। अच्छा, ऐड पर आप उनके ऐड देखने के बाद आपने उनके कोर्स को ज्वाइन किया। अच्छा, दीप सर के मेमोरी टेक्निक का जो ये कोर्स है, इसके लिए समय कितना लगता है? वैसे तो उनका पूरा कोर्स एक महीने का है और वो 10 घंटे में पढ़ाते हैं और एक महीने के प्रैक्टिस के लिए होता है। अच्छा, तो आपने यह कोर्स 10 घंटे में या फिर एक महीने में पूर्ण किया? हाँ, एक महीने में पूर्ण किया। अच्छा, तो इसमें आपने क्या क्या सीखा? इसमें कुछ मतलब टेक्निक है, क्या है, आप क्या बताओगे हमें? दीप सर ने बहुत सारे टेक्निक्स पढ़ाए हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है वो लेसन लर्निंग की टेक्निक है, जो स्टडीज में बहुत ही यूजफुल टेक्निक है। अच्छा, लेसन क्या कहा आपने? अच्छा, लेसन लर्निंग टेक्निक। तो इसका आपके पढ़ाई पर कितना असर हुआ है? बहुत ही, क्योंकि मतलब पहले लर्न करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगता था और अभी बहुत कम लगता है। अच्छा, क्या बताओगे कि ये कोर्स आपने कब किया? ये कोर्स हमने 6 महीने पहले किया था। 6 महीने पहले किया। अच्छा, तो ये जो आपने अभी हमें बताया कि मेमोरी लर्निंग टेक्निक कोर्स जो है, स्पेशल कोर्स है, तो इसका अभी आपके हमें कुछ उदाहरण दे पाओगे? हाँ, दे पाऊंगी। मैंने 6 महीने पहले इंग्लिश का एक लेसन लर्न किया था, तो वो लेसन मैं बोलना चाहूंगी। अच्छा, इंग्लिश का लेसन, जो लेसन नंबर क्या है? लेसन नंबर 4 है। देखिए, अभी हमें श्रुतिका ने ये बताया है कि उसने जो मेमोरी टेक्निक कोर्स दीप सर के द्वारा पूर्ण किया है, उसका वो हमें एक उदाहरण देने जा रही है। लेसन नंबर 4, एक्सेप्ट गुड एंड बैड विद ग्रेटिट्यूड। माई फैमिली होम वॉज डायरेक्टली अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द क्लिनिक एंट्रेंस ऑफ जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल इन बाल्टीमोर। वी लिव डाउनस्टेयर्स एंड रेंटेड द अपस्टेयर्स रूम टू आउट पेशेंट्स एट द क्लिनिक। वन समर इवनिंग एज आई वॉज फिक्सिंग सपर, देयर वॉज अ नॉक एट द डोर। आई ओपन इट टू सी एन ऑफुल लुकिंग मैन। हिज फेस, लोपसाइडेड फ्रॉम स्वेलिंग, वॉज रेड एंड रॉ, येट हिज वॉइस वॉज प्लीजेंट एज ही सेड, गुड इवनिंग, आई हैव कम टू सी इफ यू हैव अ रूम फॉर जस्ट वन नाइट। आई केम फॉर ट्रीटमेंट दिस मॉर्निंग फ्रॉम द ईस्टर्न शोर एंड देर इज नो बस टिल मॉर्निंग। ही टोल्ड मी ही हैड बीन हंटिंग फॉर अ रूम सिंस नून बट विद नो सक्सेस। I guess it's my face. I know it looks terrible, but my doctor says with a few more treatments. For a moment I hesitated, but his next words convinced me. I could sleep in this rocking chair on the porch. My bus leaves early in the morning. When I had finished the dishes, I went out on the porch to talk with him a few minutes. It didn't take a long time to see that this old man had an oversized heart crowded into that tiny body. He told me he fished for a living to support his daughter, her 5 children, and her husband, who was hopelessly crippled from a back injury. He wasn't complaining. In fact, every other sentence was prefaced with thanks to God for a blessing. He was grateful that no pain accompanied his disease, which was apparently a form of skin cancer. He thanked God for giving him the strength to keep going. At bedtime, we put a camp cot in the children's room for him. When I got up in the morning, the bed linens were neatly folded and the little man was out on the porch.
He refused breakfast, but just before he left for his bus, haltingly, as if asking a great favor, he said, "Could I please come back and stay the next time I have a treatment? Your children made me feel at home. Grown-ups are bothered by my face, but children don't seem to mind." I told him he was welcome to come again. And on his next trip, he arrived a little after 7 in the morning. As a gift, he brought a big fish and a caught of the largest oysters I had ever seen. He said he had shucked them that morning so that they would be nice and fresh. I knew his bus left at 4 a.m. and I wondered what time he had to get up in order to do this for us. In the years he came to stay overnight with us, there was never a time he did not bring us fish or oysters or vegetables from his garden. From him, we learned what it was to accept the bad without complaint and the good with gratitude to God. Recently, I was visiting a friend who showed me her flowers. We came to the most beautiful one of all, a golden chrysanthemum bursting with blooms, but it was growing in an old dented rusty bucket. I ran short of pots, she explained, and knowing how beautiful this one would be, I thought it wouldn't mind starting out in this old pail. Here's an especially beautiful one, God might have said when he came to the soul of the sweet old fisherman. He did not mind starting out in this small body. From the Times of India. Thank you. My goodness, Shrutika ne to kamaal hi kar diya. Dekha apne? किस तरह से श्रुतिका ने बिना देखे पूरा लेसन बोलकर दिखाया हमें. श्रुतिका, आपने जो हमें बताया इंग्लिश का जो लेसन, क्या इसके अलावा भी ऐसी कोई और बातें हैं जो आप हमको बता पाओगी अभी? मैंने लेसन लर्निंग के अलावा लिस्ट सिस्टम से प्राइम मिनिस्टर भी लर्न किए. प्राइम मिनिस्टर, क्या आप सब हमें बता पाओगी? 1. पंडित जवाहरलाल नेहरू, 2. गुलजारीलाल नंदा, 3. लाल बहादुर शास्त्री, 4. गुलजारीलाल नंदा, 5. इंदिरा गांधी, 6. मोरारजी देसाई, 7. चरण सिंह, 8. इंदिरा गांधी, 9. राजीव गांधी, 10. वीपी सिंह, 11. चंद्रशेखर, 12. नरसिंह राव, 13. अटल बिहारी वाजपेयी, 14. देवगौड़ा, 15. इंद्र कुमार गुजराल, 16. अटल बिहारी वाजपेयी, 17. डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड 18. डॉक्टर मनमोहन सिंह. माय गुडनेस, सही में देखा आपने किस तरह से श्रुतिका ने हमें जो सारे पंत प्रधानों के नाम में